बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स माइनस 1 बाई एक्स के और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी एक्स हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 बाई एक्स हो जाएगा अगर एक्स बराबर हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 बाई एक्स बराबर होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं क्योंकि ये इरेशनल है और हम जानते हैं कि रेशनलाइज करने के लिए हम इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट लेंगे हम कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कंजुगेट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा दरमियान वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमारे पास 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। सो हम जानते हैं कि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर 1 के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर लें तो वही आएगा इससे। तो 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर ले, 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और डिनोमिनेटर पर हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 बाई एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई, और हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कटते हैं तो 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। इस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 माइनस 3 से आता है माइनस 1। सो 1 बाई एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई माइनस 1 कर लें तो साइन चेंज हो जाएंगे डिवाइड से, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब हम सिर्फ वैल्यूज लगाते हैं। एक्स हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 ओवर एक्स से आ गया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हम एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस हम लगा लेंगे माइनस, और 1 बाई एक्स हमने फाइंड कर लिया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
सौ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स आ गया। एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू आप कर लें तो इससे आता है टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है एक्स माइनस वन ओवर एक्स के लिए। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बोथ साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे। एक्स माइनस वन ओवर एक्स हम फाइंड कर चुके हैं टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू, बोथ साइड का स्क्वायर लेने स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस टू, और यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे टू का भी स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ टू का भी स्क्वायर है, तो टू स्क्वायर से आता है फोर और स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर से आता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे इंटू टू। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर हो जाएगा फोर टू जार एट। माइनस टू को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर के, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट। माइनस टू इस साइड पर आकर प्लस टू हो जाएगा और एट प्लस टू से आता है टेन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया एट प्लस टू इज इक्वल टू टेन, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है।